दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के घर में यदि आप एमसी स्टैन के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर घर के अंदर एमसी स्टैन ही है जिनकी फैन फॉलोइंग को देखकर कहीं ना कहीं घर के बाकी कंटेस्टेंट उनके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में यहाँ पर टीना दत्ता, जो कि अक्सर एमसी स्टैन के साथ झगड़ा करते हुए दिखाई देती है, वो एमसी स्टैन के काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रही है। उनसे इतने प्यार से बात कर रही है जैसे कि न जाने वो कितने सालों से स्टैन को जानती है और न जाने कब से इनकी दोस्ती है। दरअसल दोस्तों जब से वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान शालिन बनोट और टीना दत्ता को सलमान खान ने एक्सपोज किया है कि आप पूरी तरीके से फेक लग रहे हो, तभी से दोनों ने अपनी घटिया एक्टिंग कैमरे के सामने करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब दोनों को वास्तविक तौर पर यह समझ में आ चुका है कि उनकी जो एक्टिंग है वो वाकई फैंस को पसंद नहीं आ रही है। वरना दोस्तों अगर रिश्ता सच्चा ही होता तो किसी के कहने से क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन जैसे ही सलमान ने यहाँ पर दोनों को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, तभी से दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली है। शालिन ने टीना दत्ता को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका है और यहीं पर टीना दत्ता ने स्टैन से नजदीकियां बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों टीना का गेम शालिन के अलावा और कुछ तो हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब टीना को समझ में आ चुका है कि अगर घर के अंदर कुछ दिनों तक और सरवाइव करना है तो फिर स्टैन के करीब जाना ही ठीक होगा, और वही काम इस समय टीना कर रही है। खैर देखना दिलचस्प होगा कि क्या एमसी स्टैन अपने आप को टीना से यूज होने देंगे या नहीं। हालांकि एमसी स्टैन टीना की हरकतों से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ है और वो अपने आप को इतनी जल्दी टीना के इस तरीके से भरोसा नहीं जीतने देंगे। हालांकि स्टैन टीना के स्वभाव से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ है, क्योंकि टीना ने पहले भी स्टैन को कई बार धोखा दिया है। आपका इस मुद्दे पर क्या है कि ना, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।